गुड आफ्टरनून टू ऑल माई स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इन बोथ द फॉर्म्स. अब ये लेक्चर किस चीज़ का है मैं बताता हूँ. जैसे स्पीकिंग का स्टूडेंट है तो अगर उसको अगर कोई स्पीकिंग की एक्टिविटी दी जाती है तो कहता है सर मैं घर पे बहुत अच्छे से तैयारी करके आता हूँ और जब मैं स्पीकिंग क्लास में बैठता हूँ तो सर सब भूल जाता हूँ. फिर वो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मेहनत में कमी होगी. तो ये और रिटन में भी बच्चा जब मैं उसको ऐसे देता हूँ लिखने के लिए कह रहे सर मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पास सेंटेंसेस नहीं आ रहे हैं सर, मैं 300 वर्ड्स का ऐसे लिखूं कैसे. तो देखिए आज मैंने ये एक्टिविटी कराई थी ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स टू इंग्लिश. अब आप ये देखेंगे सर क्या हिंदी पढ़ाते हैं क्या आप. कई बच्चों ने पता नहीं कहां कहां से वीडियो देख लिए, कौन से अंग्रेज को सुन लिया, अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सर एक बहुत मशहूर ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कभी मत करना, आपकी इंग्लिश भी जो आती है वो बिगड़ जाएगी. वाह, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब लोग का हक है वीडियोस पोस्ट करने का, जैसे मैं भी तो कर रहा हूँ. मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आपका रिटन और वर्बल इंग्लिश कमज़ोर है तो बिल्कुल ये एक्टिविटी अगर किसी सेंटर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी बात है, आप अकेले भी ये एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने आज कुछ बच्चों को 20 वर्ड्स दिए हिंदी के और उनसे कहा कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए. बहुत अच्छा लगा. शायद वो बच्चे स्पीकिंग में फ्रेम ना कर पाते लेकिन रिटन में उन्होंने फ्रेम किया, अब उनके दिमाग में वो बात आ गई. मैंने कुछ वर्ड्स दिए एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडियम, अवार्ड, रिवॉर्ड, तो वो हिंदी में मैंने उन लोगों को बताया तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. कुछ बच्चों ने तो 20 में से करीबन 15-16 वर्ड्स को ट्रांसलेट कर ले गए, कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर. और सोचिए अगर डेली ये एक्टिविटी हो जाए कि 20 वर्ड्स का ट्रांसलेशन, और जो कि मैं करता ही हूँ, तो 5 डेज में 100 वर्ड्स निकल के आ जाते हैं सामने. धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली, पहले आप वर्ड्स को ट्रांसलेट करिए. जब आप वर्ड्स पे थोड़ा कमांड बना लेंगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा. 1-1.5-2 महीने के अंदर आप सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रन से हराया, उसको ट्रांसलेट करिए. इंडिया, फिर आप करेंगे कौन सा फॉर्म लगाएं, डिफीट की डिफीटेड, अच्छा हो गई है एक्टिविटी तो डिफीटेड लगाओ. ऑस्ट्रेलिया डैश 100 रन, फिर इसके बीच में आप सोचेंगे क्या लगाएं. कुछ लोग विद भरेंगे, कुछ लोग ऑफ भरेंगे, फॉर भरेंगे. लेकिन फिर जब मेरे से कुछ बच्चे चेक कराएंगे या गूगल से कुछ मदद लेंगे ट्रांसलेटर की तो आएगा लिखा बाय 100 रन्स. तो ये फायदा है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश. ये दोनों एक्टिविटीज करिए, आपकी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं. समझ रहे हैं. मेरी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चल रही हैं. अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप जूम पर मेरी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं. जूम आईडी है 7871824926 एंड द पासवर्ड इज 111. थैंक यू सो मच क्लास.